सामीन, रंगारंग और दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारे चैनल इन्फो प्लस में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है, दुनिया भर में डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं। दुनिया में करोड़ों अफराद बचपन से डॉक्टर बनना चाहते हैं और इस दिन का ख्वाब देखते हैं जब वो सफेद कोट पहन सकें। दर हकीकत इस लिबास की इतनी ज्यादा अहमियत है कि दुनिया के बेशतर मेडिकल स्कूलों में तकारीब का इनेकाद होता है जिनको वाइट कोट सेरेमनीज कहा जाता है। ये वो मौका होता है जब नौजवान तालिबे इल्म पहली बार डॉक्टरों के लिए मखसूस सफेद कोट को पहनते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि ये रंग डॉक्टरों के लिए मखसूस क्यों हो गया? इसकी वजह और तारीख बहुत दिलचस्प है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि डॉक्टरों में सफेद कोट के इस्तेमाल का रुझान बहुत ज्यादा पुराना नहीं और 19वीं सदी के आखिर में आम हुआ। इससे कबल डॉक्टर अमूमन सियाह लिबास पहनते थे और लिबास में सफेदी की झलक नजर नहीं आती थी। सियाह रंग के इंतखाब की वजह यह थी कि इसे रस्मी और बावकार रंग समझा जाता था और ख्याल किया जाता था कि ये डॉक्टरों की शख्सियत से मुताबिकत रखता है। 19वीं सदी के आखिर में डॉक्टरों और साइंसदानों को अस्पतालों या तिब्बी मराकज में सफाई की अहमियत का एहसास हुआ, जिससे बैक्टीरिया की नशोनुमा की रोकथाम और वबाई अमराज को फैलने से रोकना मुमकिन था। सफेद रंग को सफाई से मुंसलिक किया जाता था और इसी वजह से अस्पतालों में सफेद चादरों और सफेद मलबूसात का इस्तेमाल शुरू हो गया ताकि जरासीमों के खिलाफ जंग का इजहार हो सके। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल ऑफ एथिक्स में शाया एक मजमून के मुताबिक सफेद रंग को सच्चाई और शफाफियत से भी मुंसलिक किया जाता है, जो डॉक्टरों की शख्सियत के लिए आम होते हैं। सियाह लिबास की जगह सफेद कोट लेने का अमल बहुत तेजी से मुकम्मल हुआ और 1900 से कबल हर जगह डॉक्टर सफेद कोट इस्तेमाल करने लगे। इस जमाने में काम करने वाले अताई तिब्बी माहिरीन के मुकाबले में डॉक्टरों की शनाख्त वाजे करने के लिए भी सफेद रंग के कोट का इस्तेमाल हर जगह होने लगा था। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी ही दिलचस्प और मालूमात से भरपूर रंगारंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।